अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है हमारे शहर कोलकाता में, समथिंग अराउंड 42 डिग्री। कैन यू ऑल इमेजिन? यस, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त हमारे शहर, सिर्फ कोलकाता का ही नहीं बल्कि इंडिया के अलग अलग शहरों का वही सेम हाल है। मैं फ़िलहाल इस वक्त घर में हूँ। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक गर्मी वाला व्लॉग शेयर किया जाए। तो गर्मी अभी आप लोगों को घर में तो महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये तो मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने ठंडा कर रखा है इसे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ऊपर छत पर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ का नज़ारा, ताकि आप लोग भी देखें और समझें कि कितना ज़बरदस्त गर्मी है। आइए, कितना ज़्यादा धूप है आप लोग खुद देख लें। ये देखें, मेरी तप्पी बैठी है यहाँ पर आराम से। धूप सेक रही हैं? धूप नहीं सेक रही हैं। हाँ, मतलब हम लोग आम का अचार लगाया है। तो ये देखिए यहाँ पे, अब भाई गर्मी आने से खट्टा खट्टा आम किसको नहीं पसंद होता है, तो इसलिए हम लोगों ने भी अचार डाल दिया है। वैसे आप तो देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा भयानक धूप है हमारी छत पर। ये देखें, बहुत ज़्यादा भयानक धूप इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा भयानक धूप। ये देखें नज़ारा पूरा। भाई दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, वो है मेरा छत और वहाँ पर मेरी जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है ना, वो एकदम भयानक गर्म है। आइए फिर भी चलकर, ये देखें ये जो धूप है ना, एकदम भयानक, मतलब जिसके पैर में दर्द हो वो आके यहाँ पे सेक ले। बस यहाँ से वहाँ सिर्फ चल के जाने भर का देर है, पैर में फोला निकल जाएगा। वहाँ पे सारे कबूतर वगैरह रखे गए हैं, वो दूसरे का छत है। वैसे मैं भी अपने चिड़िया को लेकर आई थी यहाँ पर धूप में, थोड़ा धूप खिलाने के लिए, लेकिन फिर मुझे बड़ा अफसोस आया कि नहीं नहीं, बेचारी चिड़िया सारी कुमला जाएगी, इसलिए मैं लेकर भागी अपने चिड़िया को। वो देखिए यहाँ से ब्रिज भी नज़र आ रहा है, पूरा शांति सुकून वाला जगह, क्योंकि भाई इतने धूप में कोई नहीं बैठता है। अभी सिर्फ मेरी तप्पी जो है वो हार्ड ड्यूटी दे रही है, सिर्फ अचार के चक्कर में। जैसे ही हो जाए वैसे ही घर के अंदर आए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी। चले अंदर चले, कितना देरी और? अभी भी देखा मेरी तप्पी को क्या ज़बरदस्त ड्यूटी दे रही हैं। भाई फ्रेंड्स, ये है हमारा छत और इतना ज़्यादा तेज़ धूप कि मैं यहाँ छाँव में खड़ी हूँ। धूप देखेंगे आप लोग, ये देखें एक्सट्रीम लेवल का धूप, एक्सट्रीम लेवल। चलिए वापस नीचे चलते आइए। इतना ज़्यादा धूप है ना फ्रेंड्स कि क्या बताऊँ आप लोगों को, ऊपर की तरफ भयानक धूप। दोस्तों मेरी चिड़िया का हाल, हो हे एकदम शांति से चुपचाप से बैठा है। वैसे ऊपर गया था ना छत के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा चहक रहा था। अब पता नहीं गर्मी की वजह से कि क्या, मतलब मैंने इसे, इन लोगों को सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ऊपर रखा था, लेकिन फिर मुझे बड़ा अफसोस लगने लगा और मुझे लगने लगा कि इन लोगों के घर में ला के रखना चाहिए ठंडे ठंडे, इसलिए मैं यहाँ पर ले आई हूँ इन लोगों को। फ्रेंड्स, मेरा निंजा टेक्निक देखें, मैंने चादर को भिगो कर अपने खिड़की के उस तरफ लगा दिया है। अभी खिड़की बंद करेंगे हम लोग, कर्टन्स लगाएंगे और फिर करेंगे एसी ऑन और इत्मीनान से फिर बैठेंगे घर में। आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, लंच के लिए आए हैं। माशाल्लाह, ठंडा कैसे है बाहर? बहुत ज़बरदस्त ठंडा है ना। तो फिर आपने ये नहीं पहना, कोट वगैरह नहीं पहना, जैकेट वगैरह नहीं पहना? हाँ, क्यों नहीं आया मेरे चश्मा अभी तक? क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या कितना देरी बाद देगा भाई? अच्छा बाहर इतना ठंडा है सर, आप तो जैकेट वगैरह पहन के जाना चाहिए था। अच्छा दोस्तों, अहमद साहब वापस आ गए हैं और अभी वो लंच के लिए आए हैं, वापस अभी चले जाएंगे। कभी कभी आ जाते हैं लंच के लिए अगर काम के आसपास अगर होते हैं तो आज लकी है कि उनके साथ आज हमारा लंच हो जाएगा। तो चले इसी बात पर तप्पी को बुला लेते हैं छत के ऊपर से और तीनों मिलकर साथ में इकट्ठे लंच कर लेते हैं। चलिए बुलाते आइए। हो गया अब वो वाला? हाँ चले मैं लेके आती हूँ। ये भी हम लोग है ना? अरे भाई इतना तेज़ गर्मी कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, इतना भयानक गर्मी, मतलब पैर पूरा जल जा रहा है और मैं तो बिना चप्पल के ही ऊपर आ गई, मुझे तो और सूझ रहा है खुराफात। यहाँ पर प्लेस कर दिया, लग रहा आज ही एक ही दिन में बन गया तब भी, समझो आज ही एक ही दिन में गल गया हमको लग रहा है। इतना तेज़ धूप, इतना भयानक धूप। अरे भाई भाई मेरे दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर गई तो मुझे महसूस हुआ कि कितना ज़्यादा बाहर गर्मी है।
और मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वापस घर भेजा और मैं अभी घर में शांति सुकून से हूँ। लेकिन मैं अहमद साहब का हालत देख रही हूँ कि वो कैसे मस्त होकर आए हैं बाहर से, और उनका हालत को देख कर मैं ये भी अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मेरे बाहर बहुत सारे भाई हैं, जो बहुत सारे मेरी बहनें हैं लेडी, वो बाहर निकल कर रोज़मर्रे की लाइफ में अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, मीटिंग्स के लिए बाहर निकल रहे हैं। या फिर मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो मतलब ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, या वेंडर्स हैं, और जो डिलीवरी बॉय हैं, तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा इस वक्त गर्मी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी। हालांकि इससे ज़्यादा गर्मी में निकल कर मैंने व्लॉगिंग किया है, समथिंग अराउंड 44 डिग्री में भी मैंने व्लॉगिंग किया है, लेकिन हमारे शहर कोलकाता का कभी ऐसा हाल मैंने नहीं देखा जैसा मैंने अभी देख रही हूँ अभी अप्रैल के महीने में। और मेरी जो अप्पी है अहमदाबाद वाली, उनका भी फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि हमारे वहाँ रोडवेज़ में वाटर स्प्रिंकल्स का इंतज़ाम किया गया है कि जितने भी व्हीकल्स लेकर रोडवेज़ पर लोग आएंगे तो उन लोगों के ऊपर रेन शावर होगा। वैसे ये फैसिलिटी हमारे शहर कोलकाता के इको पार्क में भी है, लेकिन वो पार्क है, हमारे यहाँ के रोडवेज़ में अभी ऐसा फैसिलिटी नहीं हुआ। मेरे दोस्त नागपुर से भी फ़ोन कर रहे थे मुझे, उन लोगों ने बताया कि वहाँ पे 43 डिग्री गर्मी जो है वो पार हो रहा है। मैंने कहा कि कुछ यही हाल हमारे शहर कोलकाता का भी है। आप लोगों में से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये कमेंट भी कर रहे थे कि मारूफ मज़ार का वीडियोज़ कब आएगा। दो रीज़न है अभी ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा है। एक तो भाई साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है अभी इस वक्त अपने मीटिंग्स में, और भी उनका काम में थोड़ा कुछ काम बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो उनकी वजह से भी अभी ब्लॉगिंग बंद है। दूसरा ये अभी गर्मी इतना ज़्यादा शदीद है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि अभी मैं निकलना खुद प्रेफर नहीं कर रही हूँ। हालांकि अगर साहब को वक्त मिलता है तो मैं धूप गर्मी बारिश आप लोग जानते हो कि कुछ ऐसा देखती नहीं हूँ, निकल ही जाती हूँ ब्लॉगिंग के लिए। तो अभी मैं घर पर हूँ तो मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुजार भी हूँ कि चलें अच्छा है कि मैं घर पर हूँ, लेकिन इस बात का थोड़ा अफसोस भी है कि अभी मैं बाज़ार नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वलियों के दर पर मेरे भी रूह को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, कल को सुकून मिलता है। इंशाल्लाह चलेंगे तो ज़रूर वहाँ का वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलें फ़िलहाल अभी कर लेते हैं लंच, क्योंकि दिन के करीबन बज रहे हैं 2:30। बाहर के बारे में बता रहे थे साहब कि बाहर एकदम ना के बराबर इंसान नज़र आ रहे हैं। चले आइए करते हैं लंच का। फ्रेंड्स आज के हमारे खाने में है चिकन कोफ्ता, पोटैटो करी, और यहाँ पे चावल, यहाँ पे मैंने भी निकाल लिया है अपना, लेकिन मैं खाती हूँ थोड़ा फ्राइड कोफ्ता, तो इसलिए यहाँ पे मेरे लिए अलग से फ्राई कोफ्ता रखा गया है। और इसके अलावा है, इसे कहते हैं टमाटर का भरता, और ये काफ़ी ज़्यादा लजीज होता है। इसके अलावा यहाँ पर है मटर आलू के साथ में, ये भी काफ़ी ज़्यादा यमी होता है। ये छोटे मोटे चीज़ें सारे होते हैं लंच में। और यहाँ पे है दाल, ये तो भाई मस्ट है। ये खाते हैं खाना, करते हैं बिस्मिल्लाह, आप सब भी आए बिस्मिल्लाह करें। हे फ्रेंड्स, हमारा लंच जो है वो हो गया है, और बस वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि और तो ऐसा कोई चीज़ मुझे नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ गर्मी को लेकर, क्योंकि मैंने तो अपने घर को पैक कर रखा है और छत का नज़ारा जाकर आप लोगों को दिखा ही दिया है। बाहर मैं निकलूँगी नहीं, तो ऐसा आप लोगों को बाहर का नज़ारा मैं कैसे दिखाऊं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बाहर का भी नज़ारा आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाऊं जब मैं ब्लॉगिंग करने निकलूंगी। तो अगर ऐसे ही गर्मी रहेगा तो आप लोगों को बाहर का भी नज़ारा मेरे चैनल के जरिए ज़रूर देखने को मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखिए, गर्मी बहुत तेज़ है, घर पर रहिए। और वो आम होता है ना, उसे जलाकर समथिंग को शरबत बनता है, तो उसे ज़रूर एक बार पी ले, ताकि जो मेरे भाई बाहर निकल रहे हैं तो उन लोगों को कम से कम लू वगैरह जो होता है वो ना लगे। तो चलिए आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।